इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर या लैपटॉप का पासवर्ड कैसे रिमूव करते हैं और चेंज भी कैसे करते हैं, वो भी हम सीख लेते हैं इसी वीडियो में। तो अब इस वीडियो में बने रहें, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट पे दबाएंगे, यहाँ से आएंगे आपको सेटिंग में। सेटिंग में आते ही आपको यहाँ पे सर्च कर लेना, क्या करना है ये देखते हैं। PASS आ गया ना, चेंज योर पासवर्ड, इसको हम दबाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया पासवर्ड, ये चाबी बना हुआ है यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप ये देखेंगे यहाँ पे नीचे, ये देखिए यहाँ पे ये चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम चेंज पे दबाते हैं। पासवर्ड बोल रहा है, तो ये देखिए आप यहाँ पे आपको जो पासवर्ड लगा रखे हैं पहले से, वही पासवर्ड यहाँ पे लगाना है। तो हम जो पासवर्ड लगा रखे हैं पहले, वही पासवर्ड यहाँ पे हम डाल देते हैं के सामने। मैं पासवर्ड लगा दिया हूँ, अब ये इंटर दबा देते हैं। ये देखिए आ गया। आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे जो भी आपको रखना है यहाँ पे आप रख सकते हैं। देखिए न्यू कन्फर्म ये सब, तो आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी नया लगाएंगे वो आपका चेंज हो जाएगा। अगर बंद करना चाहते हैं तो आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है, ये खाली रखना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे आएंगे, ये नेक्स्ट वाला बटन को दबाएंगे। ये देखिए दबाते ही आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको फिनिश करना है। बस यहाँ पर आप फिनिश करेंगे, वो अगर चेंज करने का था तो चेंज करें, नहीं तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट बंद भी कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।